आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पहले क्वेश्चन को। विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाती है। ऑप्शन फर्स्ट है सरल बनाती है, सेकंड रोचक बनाती है, थर्ड समावेशी, फोर्थ जटिल। दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर होगा, आप लोग अगर जानते हो तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाती है, क्या बनाती है, सरल बनाती है या फिर रोचक बनाती है या फिर समावेशी बनाती है या फिर जटिल बनाती है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या बनाती है, तो दोस्तों ये समावेशी बनाती है, यानी जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि जो कक्षा में बालक होते हैं दोस्तों वो विभिन्न तरह के होते हैं, यानी कोई दृष्टिबाधित है तो कोई श्रव्य है, तो मतलब किस बच्चे को किस सामग्री की ज़रूरत पड़ जाए तो इस तरह से ये समावेशी में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन फर्स्ट रंगीन चित्र, सेकंड सार्थक पुनरावृत्ति, थर्ड है संक्षिप्त, फोर्थ है केवल चित्रात्मक। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था क्वेश्चन तो छोटे हैं लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने उन क्वेश्चनों को लिया है ताकि आपके जो मन में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगर नए हो आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट जुड़ सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है रंगीन चित्र, सेकंड सार्थक पुनरावृत्ति, थर्ड है संक्षिप्त, फोर्थ केवल चित्रात्मक। तो प्राथमिक स्तर पर जो चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, यानी सार्थक पुनरावृत्ति ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भाषा एक है, ऑप्शन फर्स्ट है जटिल प्रक्रिया, सेकंड है समस्यात्मक वस्तु, थर्ड है तार्किक व्यवस्था, फोर्थ है नियमबद्ध व्यवस्था। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका रिपीट हुआ है कई बार, तो आप लोग यहाँ पे अपना आंसर करिए। भाषा एक है, क्या है, जटिल प्रक्रिया है या फिर समस्यात्मक वस्तु है। जटिल तो होगा ही नहीं दोस्तों, समस्यात्मक तो बिल्कुल नहीं, तार्किक व्यवस्था भी नहीं होगा, ये नियमबद्ध व्यवस्था होगा, यानी जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों का नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का, सेकंड है अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का, थर्ड है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का, फोर्थ है विषयों के शब्दावली में अनिवार्य परिचय का। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोज कर लिखना उदाहरण किसका हो सकता है, बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का, अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का, थर्ड संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का, फोर्थ है विषयों की शब्दावली में अनिवार्य परिचय का। दोस्तों ये संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का उदाहरण है, किसका, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका एक नंबर कंफर्म है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट मातृभाषा, सेकेंड हिंदी, थर्ड अंग्रेजी, फोर्थ विदेशी। तो दोस्तों आप लोग तो इसे समझ ही गए होंगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए दोस्तों ये मातृभाषा होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों में और किसके माध्यम से लिखने कौशल का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है लिपि, ज्ञानवर्तनी ज्ञान, रेखांकन शब्द लेखन, थर्ड है रेखांकन चित्रांकन, फोर्थ है वर्तनी ज्ञान वाक्य लेखन। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग अपने आंसर करिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों में और किसके माध्यम से लिखने कौशल का विकास किया जा सकता है, फर्स्ट है लिपि ज्ञान वर्तनी ज्ञान से, या फिर रेखांकन शब्द लेखन से, या फिर रेखांकन चित्रांकन से, या फिर फोर्थ है वर्तनी ज्ञान वाक्य लेखन से।
दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। दोस्तों रेखांकन और चित्रांकन, यानी आप छोटे बच्चों को देखे होंगे जब बच्चा लिखना स्टार्ट करता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाता है, लिख नहीं पाता है, ठीक है। चित्रों को देखकर वो चित्र बनाने की कोशिश करता है, कोई भी चित्र देखेगा तो वो सोचेगा मैं ये तो बना लूँगा, उसे बनाने की वो पूरी कोशिश करता है। इस तरह से धीरे धीरे बच्चों में जो है लेखन कौशल का विकास किया जाता है, किया जा सकता है। किसके माध्यम से? रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से। इस तरह से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वो पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह किससे ग्रस्त है। दोस्तों इस पे मैंने आपको एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है, 3-4 मिनट का होगा, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। वहाँ पे आपके जो भी है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो जो लोग नहीं देखे होंगे उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, वो पढ़ते समय अटकती है। पढ़ते समय अटकती है तो क्या होगा? दोस्तों पढ़ने संबंधी अक्षमता जो है वो क्या कहलाती है? तो ये डिसलेक्सिया कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन जो सेकेंड होगा वो करेक्ट होगा। और डिस्ग्राफिया क्या होता है दोस्तों? ये लिखने संबंधी अक्षमता, जो बच्चा लिखने में गलती कर रहा है, लिखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो डिसग्राफिया में आएगा। डिसकैलकुलिया में होता है, बच्चा गणना करने में जब कोई गलती करता है तो ये डिसकैलकुलिया में आता है। हमारा जो ऑप्शन सेकंड था वो करेक्ट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति, सेकंड है लिखित परीक्षा, थर्ड है जांच सूची, फोर्थ है साक्षात्कार। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो दोस्तों क्या लिखित को मानेंगे प्राथमिक स्तर पर? नहीं, जांच सूची होगा ही नहीं, साक्षात्कार भी नहीं होगा। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति जो है इसे आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? ऑप्शन फर्स्ट जीवनी, सेकंड है आत्मकथा, थर्ड है डायरी, फोर्थ है एकांकी। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है। दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कि रिपीट हुआ है कई बार, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों एकांकी विधा में जो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश होती है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन यानी एकांकी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसमें? पढ़ने की कुशलता में पूछा, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या लिपि ज्ञान है, या फिर तेज गति है, या फिर अर्थ है, या फिर शब्द ज्ञान है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, शब्द ज्ञान लेकर बच्चा क्या कर गया? यहाँ पे पढ़ने की कुशलता बताया गया है, मतलब पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शब्द ज्ञान, तेज गति से ये भी नहीं होगा दोस्तों, लिपि ज्ञान ये भी नहीं होगा। यानी पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है, बच्चा जब अर्थ समझेगा तो ये हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन थे, आपको देखने पे अंदाज़ा हुआ होगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने आज छोटे छोटे क्वेश्चन को लिया है जो आपको कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों कैसे लगे ये सारे क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।